विषय अधिक आलोचना करने आज आम स्टूडियो रे उपस्थित रही विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मण पंडा सर नमस्कार आपको स्वागत समाचार कर सर आज हूँ जातीय शिक्षा नीतिर 2020 आज एक वर्ष पूरी तो यही अवसर में प्रधानमंत्री नुआ कार्यक्रम मान शुभारंभ कर विद्या प्रवेश तो यहाँ छात्र छात्री मान कि साय कर देखु नूतन शिक्षा नीति 2020 मसीह जो आकलन करागला पृथ्वीर जन विशिष्ट शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक एवं मानने पद्म विभूषण कस्तूरी रंगन बहु लोकर सजेसन अब्जेक्शन को कॉल फॉर कर सारे कर एक वर्ष पर तार प्रयोगात्मक दृष्टि कौन कौन होगा दरकार प्रयोगात्मक रास्त कौ कौ जिनस प्रयोग होगा दरकार से क्षेत्र में प्रधानमंत्री जो व्यवस्था आज लागू कर 10 व्यवस्था ता भितर जो ई विद्या कथा अच्छी विद्या प्रवेश कथा विद्या प्रवेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहीं प्रथम पहाच को यशस्वी प्रधानमंत्री प्रथम प्रायोरीटी दे कि चिंता करथम पहाच हूँ 3 वर्ष जो पिलाटी विद्यालय को आसो से पिलाटर मनस्थिति कौन रहा दरकार घर जो समय से पिलाटी बापा आत्मीयता आकर्षण ममता स्नेह श्रद्धा ये सब छाड़ी आसव से ही समय शिक्षक भूमिका कौन होगा दरकार शिक्षक तदनुरूप प्रशिक्षण कौन होगा दरकार शिक्षक शिक्षयित्री से अनुजाई पिला मिनिमम लेवल ऑफ थॉट मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टीचिंग साइकोलॉजी मोटिवेशन क्लासरूम सिचुएशन एगुड़ाक उपयुक्त मैनर में प्रस्तुत करिया दरकार ये क्षेत्र को बल देवाई जो व्यवस्था कर विद्या प्रवेश व्यवस्था से प्रशिक्षण को त्वरान्वित हो शिक्षक शिक्षयित्री जेहेतु आम 5 वर्ष स्टैंडर्ड 1 क्लास रु धारावाहिक शिक्षार कार्यक्रम थिला ता पूर्व प्राथमिक विद्या को गुरुत्व दि जा ना बर्तमान जेहेतु गुरुत्व दि जा नूतन शिक्षा पद्धति रे से क्षेत्र को बल देवा ये गोटे बहुत सुचिंतित योजना तो सर भारतीय साइन लैंग्वेज प्रसंग को एक पाठ्य विषय वस्तु भाव आरंभ कर पदक्षेप नि तेज यह दिव्यांग पाई कि सहायक हे देखते दिव्यांग पाई केवल बहुत योजना कि दि जाऊला अतीतर दीर्घ दिन धरी दिव्यांग मानी केवल जो मैंने माने ब्लाइंड पिला से किसी ब्रेल टेक्स्ट बुक भारत बाहर मगा जाता जो थे भारतीय भाषार विशेष प्रयोग हो पार ना बर्तमान दिव्यांग मानी विभिन्न प्रकार इंस्ट्रूमेंट आम भारत तैयारी हे जहाद्वारा से आत्मनिर्भर भारत निश्चित भाव बल मिल ता संगे संगे भारतीय पिलांगर भारतीय मानसिकता भारतीय समाज भारतीय परिवेश वातावरण ताकु नहीं कि जो व्यवस्था हे से व्यवस्था को मध्य बल देवा ये गोटे सुचिंत योजना आ गोटे सफल स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ कर तो यहाँ के दूर सहायक हो पार सफल स्कीम हूँ मानने स्ट्रक्चर्ड आसेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स तो ग्रेड 3, 5 आउ 8 क्लास पिलांग पाई सीबीएसई मेथड रे जो शिक्षक शिक्षयित्री को ट्रेनिंग दिजिव ता संगे संगे पिलांगर प्रति सेमिस्टर वाइज तांगर परीक्षा रे कौन कौन सावधानता अवलम्बन कर पिलांकर परीक्षा प्रति पाठ प्रति जो भय छड़ा तार व्यवस्था सफल सफल योजना रखाई आकर्षण बर बढ़ पिलांकर सेमिस्टर वाइज परीक्षा हेल्ले कोर्स हालका रहा हाँ पिलांकर भय छाड़ परीक्षा प्रति गोटे भय गोटे थर अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा हाँ भय भी थे पिला ज्वर हो जाए किसी पिला डायरिया हो जाए परीक्षा समय से अभिभावक हईराण हंतसंत हूँ देश समाज मध्य अतिष्ठ हो जाए से क्षेत्र में योजना टी निश्चित भाव सफल स्कीम जे निष्ठा 2.0 तो एटा साधारण पिला बुझिया पे निष्ठाटा कौन निष्ठा देखु पिलांकर विभिन्न प्रकार पाठ्यपुस्तक जहाँ जहाँ रोचे ताको शिक्षक शिक्षयित्री प्रथम ट्रेंड हे ताद परीक्षा समय मध्य तार मूल्यांकन करने जो मूल्यांकन विधि व्यवस्था आगर थी से मूल्यांकन किसी ना कि परिवर्तन दरकार तार प्रशिक्षण करेगी पिला स्टेप वाइज मार्किंग करके पिलांकर आग्रह बर बढ़ा जीव पिलांकर आग्रह कमेबार जो बेले बेले परीक्षा गोटे मानने दंडनीय कार्य परीक्षा गोटे भय भीतर वातावरण ये जो रोला आग्रहान्वित करने ये गोटे सफल योजना करा जाई सीबीएसई टीचर्स मानक प्रशिक्षण केतोटी मॉड्यूल रे मॉड्यूल कौन कौन व्यवस्था रोक पिला डेमो क्लास व्यवस्था करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे बा विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम रे पिलांकर टीचर मान प्रशिक्षण करे कि पिला टीचर भीतर जो दूरता
से दूरता कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप टीचर मानकर करा जी। तो आउ गोटे सुंदर स्कीम अच्छे नुआ शिक्षा नीति रे जोटा कि हेछि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम एहा छात्र छात्री के सुविधाजनक हम बाई व्यवस्था ही जो नूतन शिक्षा पद्धति सबुठ बड़ चार्म कहीं अतीत किए कौटी पाठ मन करूँ परीक्षा दे पारानी से पुणी मूल रू आउ थे फर्म फिलअप करके परीक्षा दबो बा तीन टी सब्जेक्ट परीक्षा देता आउ दुईट सब्जेक्ट छाड़ी देता से कंटिन्यू कर पारे पुणी मूल रू परीक्षा दबो फेल हो ड्रॉप आउट होकर रही जाते शिक्षा प्रति गोटे वित्तस्पृह भावना तैयार होता इंटरेस्ट कमी जाता ये क्रेडिट ट्रांसफर जितने हम जी जो अध्ययन छाड़ी से पुणी कंटिन्यू कर गोटे मौका मिल ये जो छात्र स्वाधीनता जोटा कह जाए गोटे विद्यार्थी स्वाधीनता माने धर दीटा तुम कलर आज बैक आगे रोला बैक न रही पुणी तुम आरंभ कर सुंदर व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र में दीर्घ 34 वर्ष धरिकी लागू होगा कि चिंतन कर पार दीर्घ 34 वर्ष पर गोटे शिक्षा व्यवस्था लागू है तार समस्त दिग को प्रधानमंत्री चिंता करस्तूरीरंगन समस्त दिग को चिंता करू लागू करने सफल चेष्टा गोटे कर निश्चित भाव ऐतिहासिक तो 140 टी विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रांसफर फॉर कोर्सेस अंडर स्वयं व्यवस्था कार्यकारी तबे ए जो स्वयं व्यवस्था से कौन स्वयं व्यवस्था रे ही माने हमर छात्र मानकर उपकार कौन हम दुज अध्यापक भी कही मुझे संबंध में विस्तारित भाव कहबिनी केवल ये कहि जे छात्र मानकर जो आर्थिक बोझ मध्य परीक्षा द्वारा रहुतिला बारंबार परीक्षा देबे एवं बारंबार अकृत कार्य किछि पिला हे जिवे कारण कोर्स रो हेवी लोड पड़ुतिला फेज वाइज कोर्स रो से माने आगक माने बढ़ी पारे एवं परीक्षा दे पारे सफल मध्य हे पारे तार गोटे भित्तिभूमि एथिरे तयारी कराउछि स्वयं व्यवस्था रे आ गोटे कथा जे अध्यापक मानकर कार्यर भार मध्य टिके हल्का हे जिवो अध्यापक मानकु सेमिस्टर वाइज पढ़ेबार गोटे बहुत बड़ सुजोग मिल सेमिस्टर वाइज से एग्जाम करी तार वैल्युएसन करी सेमिस्टर वाइज वैल्युएसन आसेसमेंट करवस्था जो कर पिलांकर काम भी हल्का हम छात्र छात्री अध्यापक मानकर काम भी हल्का हम तो गोटे वेबसाइट आरंभ करछन्ते जोटा कि कहछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम धीशक्ति संपर्क में तो जोटा कि साधारण सचेतनता सृष्टि कर तो यहाँ कौन ये प्रकृत कौन कि सचेतनता सृष्टि देखते बहुत धी संपन्न छात्र छात्री आज्ञा बणर मल्ली बणरे फुटिक नष्ट भाई रही जाती तो से माने से पोर्टाल को आसीपारे से मानकर विभिन्न इनोवेशन को जोड़ी पारे जेद्वारा सरकार तार आकलन और अनुशीलन करी धी संपन्न पिला एक्सट्रा स्कोप देवाई गोटे व्यवस्था करें ये व्यवस्था बहुत पिलांकर प्रतिभा धीरे 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 आग को आसिबो बहुत गाँ गहली सहर पिला ही ये देशर माने पूरा समुदाय पिला ये भाविया उचित नुह गाँ गहली अनेक पिला रही जाते जो माने सहर सरकारी सरकारी योजना सहित पहुँची पार नथिले से माने अंततः से पोर्टाल आक्सेस होगी अंततः निज प्रतिभा उन्मेष निज प्रतिभा विकास भी करेंगे ये गोटे व्यवस्था को ये लागू कर नुआ शिक्षानी भितर आम इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रथम वर्षटा कहते आंचलिक भाषा रे पिला पढ़वार सुजोग दिज्व जोटी ओडिया सहित एगारटा भाषा को से ये करता जो पिला एथरे ए जो आंचलिक भाषा पाठ पढ़े यहाँ केत दूर तक पाठ को सहायक हो पार शिक्षा को सहायक बहुत इंजीनियरिंग पिला ये कष्ट ये अनुभव आधार से बंची बर्तमान जो एगार टी आंचलिक भाषा को बर्तमान पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से सरकार आडप्ट करेंगे शिक्षानी मध्यम से पिला जो प्लस टू लेवल रो हठात इंजीनियरिंग लेवल को आसीगला से ही समय गुड़ा टर्मिनल से बुझी पार नथिला जो तार फंडा क्लीयर न हो कि लास्ट एट सेमिस्टर पर्यटन से ही भाया अनक्लीयर माइंड सेट गोटे डाउटफुल माइंड सेट गोटे क्लमजी माइंड सेट भितर से रोला जेद्वारा फ्यूचर देशर बहुत क्षति होता तेणु तार भाषा तार लोकाल भाषा जदि अंत फास्ट इयर टाक पढ़े दिज्व फास्ट इयर तार समस्त फंडा क्लीयर हम मुझे भावुची एथ सेमिस्टर पर्यटन से एकदम गोटे सुंदर भाव आकलन अनुशीलन फंडा क्लीयर हेले सब जिनसे प्रधानमंत्री आज नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम शुभारंभ कर देखु एनडीईआर जो अच्छी नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर से विशेषकर माने टीचर मानकर ट्रेनिंग एवं सिलेबस अनुसार से गाइडेंस
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଠାରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆଉ ନଥିଲା। ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଫୋରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିଯିବ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ଇନୋଭେସନ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ଲେକ୍ଚରର୍ସ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ହେବ ସେ ଅପଡେଟ୍ ମେଜର, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଜୁକେସନରେ ଆହୁରି ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ କେବଳ କିଛି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ରାସ୍ତାରେ ସେୟାର ନ କରିକି ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇବାର ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଧୀନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହା କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଗଲା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଭାରତର ମୂଳଭୂତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ସେ ମୂଳଭୂତ ବିଷୟକୁ ଧୀରେ 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 ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ୱେରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଫର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିଚର ଫର୍ମ, ସେଇଟା କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସର କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସେଟା ଧୀରେ 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 କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ବଳ ମିଳିବ। ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପିଲା କେବଳ ଏକତରଫା ଶୁଣୁଥିଲା କିଛି ଜାଗାରେ, ଆଉ ତାକୁ ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଫୋରମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଟ୍ରେନିଂଟା ହେବ, ସେଇଥିରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁ କରାହେବ ଡିଜିଟାଲ ଫୋରମକୁ ମାନେ ବାଇ ୱେରେ ଏଜୁକେସନଟା ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ଯେ 164 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସହାୟକ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ହେଉ, ୱେବ୍ ଜରିଆରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ଦେବେ ଆଉ ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମାଚାର ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।